सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, चलेंगे आप सभी को लेकर मोदी नगर साउथ के स्टेशन तक। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है मुरादनगर का स्टेशन जो कि आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो में, और ये बायोडक्ट पहले ही जोड़ दिया जा चुका था। तो अभी देख सकते हो इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे लगाए जाने हैं, इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट और वायरिंग लगाई जानी है, उसके बाद में इस पर ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, फिर उसके बाद में ट्रैक इस पर बिछाया जाएगा। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं, और आप सभी को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पी संत के चैनल पर आप सभी देखते रहो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने और बताने वाला हूं कि कहां कहां कितने लॉन्चर लगे हुए हैं, क्या क्या वर्क चल रहा है मोदीनगर साउथ के स्टेशन तक, मुरादनगर से लेकर और मोदीनगर साउथ के स्टेशन तक आज हम आप सभी को लेकर चलने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहो के पी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर। के पी संत लाता रहता है, आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं जो ये RRTS की लाइन है, यहाँ से ये कर्व ले लेगी लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पिछले बार जब मैं आया था तब यहाँ पर ये पिलर स्टैंड किए जा रहे थे, इनका फाउंडेशन पहले ही बना दिया जा चुका। तो देख सकते हैं इस पर पियर कैप लगा दिया गया है, ये एक दूसरे से पिलर को जोड़ भी दिया गया है। जो लॉन्चर पिछली बार नहर के पीछे था वो आप देखो लॉन्चर यहाँ पर आ चुका है। तो ये तीन चार पिलर बचे हुए हैं अभी कनेक्ट होने के लिए, फिर ये लॉन्चर यहाँ से उतार दिया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी ये लाइन चल रही है मेरे लेफ्ट में जो कर्व ले लेती है, क्योंकि बीच में आ जाता है ये मुरादनगर नहर का ब्रिज, तो इस वजह से इन्होंने लेफ्ट हैंड पे ले लिया था RRTS को। तो जहाँ से ये लॉन्चर स्टार्ट हुआ था वो आप लोगों को जगह भी दिखाते हैं। पहली बार जब ये लॉन्चर स्टैंड किया गया था, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था, नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लेना दोस्तों। तो जो पहली बार ये लॉन्चर लगाया गया था वो यहाँ पर स्टैंड किया गया था दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये स्टैंड किया गया था। अभी इसके जो पिलर हैं वो भी खड़े हुए हैं, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से इसमें पिलर भरे जाते। तो इधर भी ये पिलर आप लोगों को एक दूसरे से जॉइंट दिखाई देंगे। और दूसरा लॉन्चर देख सकते हो यहाँ पर मुरादनगर क्रॉस करने के बाद में नहर को, फिर दूसरा लॉन्चर यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। तो आप बताना कि मैं इंफॉर्मेशन कैसी देता हूं आप सभी को। तो आप लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ नीचे कि वीडियो कैसा लगता है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ आप सभी देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आप लोग इन्जॉय करो।
तीसरा लंचर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा जो कि मोदी नगर साउथ के स्टेशन की तरफ इसका मुंह है दोस्तों। तो देख सकते हो इस लॉन्चर ने इतना बायोडक्ट क्लियर कर चुका है ये। अब इस पर जो पैराफिट पोल लगाने का काम चल रहा है अभी बायोडक्ट के ऊपर दोस्तों, तो ये लॉन्चर जोड़ते जा रहे हैं तेजी के साथ। और देख सकते हैं ये सारे पिलर बन के कम्प्लीट हैं। ये लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़े जा रहे हैं तेजी के साथ में दोस्तों। तो आप लोगों को जो भी वर्क अभी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा मोदी नगर के अंदर के। मोदी नगर में सबसे लास्ट में ही काम स्टार्ट हुआ, तो देख सकते हैं इस पर पियर कैप बनाया जाना है। अभी इस पर पियर कैप नहीं बना है पीछे, तो बीच बीच में अभी पियर कैप बनाए जाएंगे दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो पिलर नहीं बने थे बीच में वो भी पिलर का फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है और इन्होंने सेटरिंग लगा दी। इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कॉन्क्रीट की मदद से ये भर दिया जाएगा, पिलर मजबूत हो जाएगा, फिर उसके बाद में इस पर पियर कैप लगाया जाएगा। तो देख सकते हो ये मशीनें लगी हुई हैं इधर की साइड में। ये जैसे जैसे मोदी नगर साउथ के स्टेशन के पास में आते जाएंगे वैसे वैसे देख सकते हो ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों। इस पर पिलर पे पियर कैप लगाया जा रहा है अब तेजी के साथ में। और देख सकते हैं आप सभी, और चौथा लॉन्चर ये आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। तो देख सकते हो कि मुरादनगर से और मोदी नगर के बीच में के चार लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए अभी तक मिल चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को और कमेंट करके ज़रूर बताओ नीचे। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो इस लॉन्चर ने इतना बायोडक्ट ये कंप्लीट कर दिया है, जोड़ दिया है दोस्तों। और उसके बाद में फिर आप लोगों को ये पियर ही पियर देखने के लिए मिलेगा। तो बीच बीच में इन पर पियर कैप का काम भी किया जा रहा है और आगे आप लोगों को स्टेशन देखने के लिए मिलेगा मोदी नगर साउथ का, को उस पर कितना कुछ वर्क चल रहा है, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, किस चीज़ का वर्क चल रहा है, तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। एंड तक बने रहो वीडियो के साथ में। तो तेजी के साथ में मोदी नगर साउथ के स्टेशन से पहले दोस्तों पियर कैप का काम चल रहा है, तेजी के साथ में पियर कैप लगाए जा रहे हैं जो बीच बीच में रह गए थे, बाकी तो ये बनके कंप्लीट से ही हो चुके हैं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं ऐसे ही आखिर एंड तक लेके चलेंगे मेरठ तक, तो देखने के लिए बने रहो ऐसे ही केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो कि पांचवा लॉन्चर, पांचवा छठा लॉन्चर ये यहाँ पर है मोदी नगर साउथ के स्टेशन से पहले दोस्तों। तो इसी बीच में मुरादनगर और मोदी नगर साउथ के स्टेशन के बीच में ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने के लिए मिलेंगे लॉन्चर जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ते हुए तेजी के साथ में चल रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हो जब ये लॉन्चर लगाया गया था तो ये मोदी नगर साउथ के स्टेशन के बगल में ही ये लॉन्चर लगाया गया था और उसने इतना बायोडक्ट जोड़ भी दिया है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो ये आ जाता है फाइनली में ही मोदी नगर साउथ का स्टेशन। और इसको बता दूँ आपको कि जो दोनों साइड के आर्म्स हैं उनको स्टैंड किया जा रहा है, कॉन्कोर्स लेवल का भी और प्लेटफॉर्म लेवल का भी दोस्तों। ये देख सकते हैं लेफ्ट और राइट के आर्म्स को जोड़ा जा रहा है, स्टैंड किया जा रहा है दोस्तों। आंखों से देख सकते हो अपनी, देखो किस तरीके से ये जोड़ते हैं कि पहले नीचे का जोड़ते हैं फिर ऊपर का जोड़ते हैं। तो इसमें सेटरिंग लगाई जाती है और सेटरिंग लगा कर फिर ये पिलर को जोड़ा जाता है दोस्तों। ये आर्म्स को दोनों साइड में जोड़ा जाएगा, फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। जैसे ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है देख सकते हो, ये गाटर लॉन्चिंग हो जाएगी ऊपर भी और नीचे भी, और फिर उसके बाद में इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा जैसे कि इधर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर, जो देख सकते हो दोनों साइड में ये
आर्म्स को स्टैंड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है इस स्टेशन के लिए। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं मोदीनगर साउथ के स्टेशन से आगे, और भी देख लेते हैं कि बायोडेक्ट कितना यहाँ पर जुड़ के कंप्लीट हो चुका है और कितने लॉन्चर। तो आप लोगों ने अभी तक 5-6 लॉन्चर देख चुके हो, तो देख सकते हैं इस छोटे से पैच में करीब होगा 5-6 किलोमीटर का ये पैच, और 5-6 किलोमीटर के दायरे में आप लोगों को 5 लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल चुके हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।